हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है 40-50 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं इंडिया के लीडिंग करंट अफेयर। उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, शेयर करते होंगे, ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर आपको किसी प्रकार से कोई भी समस्या जो है वो नहीं, और आप एक अच्छा परफॉर्मेंस जो कि आने वाले एग्जाम में दे सके। इनफैक्ट एग्जाम में नहीं, अगर आपको कहीं पर ग्रुप डिस्कशन करना है, अगर आपको कहीं पर इंटरव्यू है, अगर आपसे किसी की चीज में देश में दुनिया में क्या चल रहा है अगर आपसे पूछा जाता है, तो आप दोस्तों 100% अपडेट है जो कि रहने वाले हैं अगर आप इस सेशन को रेगुलर देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है दोस्तों 9th of September। तो 9th of September के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग क्वेश्चन के अलावा मतलब इंपॉर्टेंट जो पूरे न्यूज़पेपर है, 4 से 5 न्यूज़पेपर है जो कि हम लोग कवर करेंगे, साथ में PIB PRS सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप इंडिया में इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्रीवियस डे के क्वेश्चन, सारे के सारे न्यूज़पेपर, आज के दिन हिस्ट्री में क्या हुआ, फन फैक्ट, और साथ के कुछ सवाल है जो कि हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कल के क्वेश्चन क्या थे। कल मैंने आपसे माइकल विलियम्स के बारे में पूछा था, तो ये कौन से ब्रॉडवॉक एम्पायर के अंदर इन्होंने रोल है जो कि प्ले किया था। नेक्स्ट है, कौन से डिप्टी सीएम ने 2000 रुपए सीड फंड देने के लिए बोला है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को। तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर दोस्तों ये प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योरशिप का जो कि चलाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने हाउस अरेस्ट होना के लेकर क्लेम किया है, तो यह है दोस्तों महबूबा मुफ्ती। ओके गाइस, आगे बात करें तो SBI के जो चेयरपर्सन थे फॉर्मर रजनीश कुमार, अभी तो दिनेश कुमार है, तो अभी इनको एक एडवाइजर बनाया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट है, यह है आपकी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंडियन स्पेस क्राफ्ट जिसने 9000 ऑर्बिट है जो कि मून के कंप्लीट करे, तो मून मिशन कौन सा था हमारा, चंद्रयान प्रथम और सेकंड, तो ये सेकंड के द्वारा किया गया है। आगे बात करते हैं, अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप अनअकैडमी के ऊपर रेफरल कोड BHU10 या Bhunesh10 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम UPSC PCS डिफेंस बैंकिंग किसी भी एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं। अभी दोस्तों 8th और 9th को आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है जो कि चलाया है, जिसमें अनअकैडमी आपको 23.5% तक का ऑफ है जो कि आपको मिल रहा है। हर एक कोर्सेज की प्राइस डायरेक्टली 15% रिड्यूस हो गई है, और उसके बाद में आप रेफरल कोड लगाओगे BHU10 तो आपको 10% और एक्स्ट्रा है जो कि आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो अभी आप रिसेंटली जो है आपको करना क्या है, ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट करना है, जो भी आपका एग्जाम का गोल है, SSC UPSC IIT 30+ एग्जाम में से आप किसी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको प्लस पे जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 महीने पे, और नीचे की तरफ आपको BHU10 है जो कि अप्लाई करना है। ओके गाइस, तो आप चाहे SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बैंक की, रिसेंटली बहुत सारे नए कोर्सेज हैं जो कि लॉन्च हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी 1 ईयर के 2 ईयर के जो प्राइसेस है, SSC हो बैंक हो, तो 15% फ्लैट ऑफ हो गई है। उसके बाद में रेफरल कोड लगाना तो 10% और ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा। ये सिर्फ आज के लिए है, उसके बाद में कल से आपको नहीं मिलेगा। डेली स्पेशल क्लासेस कल आप ज्वाइन कर सकते हैं, कल होगी सुबह 10 बजे। सैटरडे को दोस्तों एक मैराथन क्लास भी जो है वो मैंने प्लान करी है आप लोगों के लिए, 3-4 घंटे की क्लास है जो कि अनअकैडमी के स्पेशल सेशन के ऊपर होने वाली है, जहां पे हम लोग रेलवेज के जो आपके पुराने क्वेश्चन है वो हम लोग कवर करेंगे। चलिए, तो आज का कोट ऑफ द डे जो कि फैज के द्वारा भेजा गया है, वन डे द पीपल दैट डिडंट बिलीव इन यू विल टेल एवरीवन हाउ दे मेट यू। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है जो कि फैज ने बोली है कि अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग आपको इनिशियल स्टेज पे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं ना, वही लोग आगे जाके जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं वही बोलते हैं कि आपसे कैसे मिले थे, आपकी क्या सोच थी, आप क्या करना चाहते थे। बहुत बार दोस्तों आपको ऐसे लोग हैं जो कि मिलेंगे, और यकीन मानिए आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, जो भी आप काम करना चाहते हैं उसको अपने शिद्दत के साथ में करिए, आने वाले कुछ सालों के अंदर जब आपके लाइफ में कुछ बदलाव आएंगे तब यही लोग होंगे जो कि आज आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको बात बार पे डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, यही आपके लिए बोलेंगे कि वो जो है आज सक्सेसफुल हुआ है, वो तो हमें पता था, वो तो ऐसा ही था, वो तो वैसा ही था। तो यही लोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा जो है लोगों को बोलने वाले हैं। तो यकीन मानिए, अपने टाइम के ऊपर बिलीव करिए, सबका टाइम है जो कि आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आज के द हिंदू के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जो कि यहाँ पे सेंटर के प्रोटेस्ट को लेकर भी बात करेंगे। सेंटर गवर्नमेंट ने MSP जो है वो बढ़ा दिए रबी क्रॉप्स को लेकर, है ना, रबी क्रॉप्स को, तो इसके बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों रिजेक्ट कर दिया डोर टू डोर वैक्सीनेशन को लेकर। एक ऑर्गेनाइजेशन ने पेटिशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने इसको देखा था
और बोला गया था कि भाई जैसे इलेक्शन के टाइम पे घर घर जाके वोटिंग के लिए लोगों को निकाला जाता है तो वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवा सकते। तो बात बिल्कुल सही भी थी, सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला भी था गवर्नमेंट को भी कि जब आप इलेक्शन में इतना अच्छे से काम करते हैं तो वैक्सीनेशन में घर घर जाके क्यों नहीं लगा सकते। लेकिन प्रेजेंटली दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया इस एप्लीकेशन को लेने से, डोर टू डोर वैक्सीनेशन को, क्योंकि फिलहाल जो है वो ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो रहा है। तो इस चीज को बंद करके नया प्रोग्राम चलाना काफी मुश्किल है। इस चीज को एक साल पहले किया जा सकता था, जब वैक्सीन आई थी ना 4-6 महीने पहले, तब उसको किया जा सकता था। लेकिन अभी जो है करना काफी मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रक्चर बन चुका है जहां पे ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो रही है। इसके अलावा तमिलनाडु असेंबली ने भी जो है CAA को रिपील करने के लिए बोला है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। इसके अलावा 35 लोग दोस्तों मिस हो गए असम के अंदर, एक फेरी थी वो ठीक है वो पलट गई थी, वो कोलाइड हो गई थी, उसके वजह से एक आदमी की डेथ हो गई, 25 जो है वो मिस हो गए हैं। ठीक है गाइस, इसके अलावा यहाँ पे तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोस्तों हाथ मिला रहे हैं इलेक्शन के लिए। झारखंड के असेंबली ने भी क्लियर कर दिया है बिल, जहाँ पे 75% कोटा जो है जॉब्स का है ना, 30-40 हजार रुपए से जो लो जॉब होती है वो लोकल्स को मिलेगी। ये दोनों न्यूज है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। NDA के अंदर दोस्तों महिलाओं की एंट्री जो है वो कंफर्म सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कर दी गई है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं जो कि दोस्तों प्रोटेस्ट और MSP को लेकर। देखिए प्रोटेस्ट के बारे में तो आप सभी को मालूम ही है, पिछले 10 महीने से हजारों लाखों किसान है जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन MSP के बारे में भी जो लोगों को नहीं पता, आज हम लोग थोड़ा वापस से डिटेल में पढ़ेंगे MSP क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, कब से इसकी शुरुआत हुई, सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोस्तों रिसेंटली क्या किया, MSP जो है वो बढ़ाई है किसकी, रबी क्रॉप की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वीट जो है, गेहूं जो है वो 2015 रुपए पर क्विंटल है जो कि कर दिया गया। इसमें 2% की बढ़ोतरी है जो कि हुई है, पहले 1975 रुपीज पर क्विंटल है जो कि हुआ करता था। पिछले 12 सालों के अंदर सबसे लोवेस्ट हाइक है जो कि MSP के अंदर वीट के अंदर देखने को मिली है। आज के टाइम पे महंगाई की दर जो है वो 6-7% महंगाई बढ़ रही है, और यहाँ पे जो MSP की रेट इंक्रीज करी गई है वो मात्र वीट की जो है वो 2% है जो कि करी गई है। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, मसूर दाल है, इन सबकी 8% तक जो है वो बढ़ी गई है, ताकि डिस जो कि क्या हो सके, अपने क्रॉप के पैटर्न को लोग किसान है जो कि बदल सके। ठीक है, 23 क्रॉप जो है उनके ऊपर रेट जो कि ये करी गई है फिक्स यहाँ पे। इसके अलावा कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है इंसेंटिव स्कीम दोस्तों टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी। आपको मालूम है गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी कि अगर कोई भी बाहर की कंपनी या कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, अगर वो एक बेंचमार्क के ऊपर प्रोडक्शन करती है इंडिया के अंदर, तो उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। ओके, तो टेक्सटाइल सेक्टर जो कि हमारे इंडिया में किसी टाइम पे बहुत बूम पे था, लेकिन बांग्लादेश ने ये इंडस्ट्री हमसे काफी हद तक जो है वो ग्रैब कर ली, बिजनेस ग्रैब कर लिया, उसको वापस से रिवाइव करने को लेकर दोस्तों ये 10,000 करोड़ रुपए का जो है, 10,500 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है लेके आने को लेकर अनाउंसमेंट है जो कि किया गया है। ऐसा बोला जा रहा है कि 10,000 करोड़ का अगर हम लोग PLI दे रहे हैं तो 19,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, 7.5 लाख जॉब है जो कि क्रिएट होगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो सबसे पहले तो MSP दोस्तों जो बढ़ाई गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नॉर्मल हाइक है वो यहाँ पे दो जगहों में तो इन्फ्लेशन को मैच किया गया है, मसूर में और साथ में मस्टर्ड में, लेकिन बाकी जगह पे 2-2% का हाइक है जो कि आपको देखने को मिलेगा, जो कि इन्फ्लेशन की कॉस्ट को भी मैच नहीं कर पा रहा है। ठीक है गाइज, अगर MSP देखे होती क्या है दोस्तों, तो MSP क्या है, एक रेट होती है जहां पे गवर्नमेंट परचेज करती है क्रॉप किससे, फार्मर से, और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, यानी कि मिनिमम प्राइस होती है जिसपे सरकार किसानों से जो भी फसल होती है उसको खरीदती है। ठीक है गाइज, और ये बोलती है कि जो भी हम आपको MSP देंगे वो 1.5 गुना होगा आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, जितना भी आपकी लागत लगी है उसका 1.5 गुना देने के लिए सरकार ने बोला है। अब किसान ये बोलते हैं कि आप जो बोल रहे हो ना उसको लेके लॉ बना दो, बस बात खत्म हो जाएगी, ताकि हमें जो भी पैसा मिले वो MSP पे मिल जाए। आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन इसको अगर लॉ बना दोगे ना तो क्या होगा कि कोई भी जो है हमसे क्या, कोई भी जो है वो बिलो प्रोडक्शन के ऊपर जो है कोई खरीद नहीं पाएगा। किसानों के पास क्या होता है कि बहुत बार जो है छोटे फार्मर्स के पास जगह की कमी होती है, बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं है ना, तो उनसे डील करनी पड़ती है, तो जो उनकी रियल प्राइसेस है वो उनको नहीं मिल पाती। अगर मिल पाती तो हमारे आज किसान परिवार जो है वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही बढ़िया बच्चे उनके अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, उनके पास पैसे होते, लेकिन हालत जो है वो देश में सभी को मालूम है किसानों की। तो किसानों का जो है डिमांड जो है वो सिर्फ इतना सा है कि MSP को लॉ बनाने को लेकर गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम आपको 1.5 गुना देंगे। MSP क्या है, मिनिमम प्राइस है
ओके, जो कि किसी भी क्रॉप की जो है सरकार के द्वारा डिफाइन करी जाती है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो मिनिस्ट्री है दोस्तों एग्रीकल्चर, उसकी डिपार्टमेंट है, उसके अंडर में एक कमीशन होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसको CACP है जो कि कहते हैं, यही रिकमेंड करता है कि MSP की कितनी प्राइसेस जो कि होनी चाहिए। तो इसके अंदर 22 तो क्रॉप है इसके अलावा, ठीक है, और शुगर केन है, ये इंक्लूड करके 23 ऐसे क्रॉप से कुल मिला के जिनकी प्राइसेस है जो कि डिफाइन करी जाती है। ठीक है गाइज, चलिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 14 तो खरीफ के हैं, 6 रबी के हैं, 2 जो है वो कमर्शियल क्रॉप है, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसकी जो प्राइसेस डिफाइन करी जाती है वो तीन चीजों के ऊपर करी जाती है। एक तो होता है A2 प्राइस, एक होता है A2 प्लस FL और एक होता है C2। जिन लोगों को नहीं पता थोड़ा डिटेल में, ठीक है वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक A2 प्राइस होती है जिसके अंदर आपके फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है ना, आपका लेबर का हो गया, फ्यूल हो गया, इरिगेशन हो गया, ये सारे के सारे पैसे जो लगते हैं वो A2 मानी जाती है। वैसे ही A2 प्लस FL की बात की जाए तो FL के अंदर क्या होता है, जो आपका लेबर आपने किया है ना फैमिली के, जो आपके कई सारे लोगों ने, उसका प्राइस माना जाता है इंक्लूड। और C2 जो है दोस्तों ये आपके रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, जो आपने जमीन ओन करी थी, जो आपने पैसा लगाया है वो माना। तो ऐसे A2 प्लस FL और C2 ये तीनों मिलाकर जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली जाती है, और सरकार बोलती है कि जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका हम लोग आपको 1.5 गुना देंगे। ठीक है, ये सरकार का कहना है। एक्चुअली के अंदर रियलिटी के में क्या होता है कि जो भी सरकार के द्वारा प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली जाती है ना उससे ज्यादा होती है प्रैक्टिकली किसान के प्रोडक्शन करने की किसी भी क्रॉप की। आपको मालूम है डीजल जो दोस्तों 2 साल पहले जो रेट थी और आज जो डीजल की रेट है उसके अंदर रात दिन का अंतर है जो कि आ गया है। तो डायरेक्टली आपका इतना सारा जो प्रोडक्शन डीजल का जो एकदम से जो भार पड़ा है वो यहाँ पे 2% के अंदर कभी भी रिकवर है जो कि नहीं हो सकता, जो कि 2% बढ़ाए गए हैं। ठीक है गाइस, तो उसके बाद में फाइनल जो इसके ऊपर अप्रूवल मिलता है वो कैबिनेट कमेटी होती है एक इकोनॉमिक अफेयर के ऊपर, उसके द्वारा जो है ये अप्रूवल मिलता है। तो कुल मिला के 3 तरह की कॉस्ट हो गई, एक तो आपके पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, एक हो गया आपके लेबर और एक हो गया आपके लैंड। तो 3 तरीके की कॉस्टिंग है जो कि मिला के आपके प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली जाती है। ठीक है, हाइक जो हुई है 2%, 3%, 4% की होती है, उसके साथ में इश्यू क्या होता है कि एक तो रियल कल्टीवेशन कॉस्ट को लेकर, ठीक है, इसके बाद में दूसरा इन्फ्लेशन को वो मैच नहीं करता, जो महंगाई दर है उसको आपके हाइक जो है वो मैच नहीं कर पाता। इसके अलावा दोस्तों कोई भी इंसेंटिवाइज है जो कि फार्मर को नहीं किया जाता, जैसे कि अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं, और ठीक है तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हाइक को लेकर इश्यू है जो कि हर साल होता है। अगर MSP के साथ में जो इश्यू है दोस्तों वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों लैक ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, जब प्रोक्योरमेंट जो भी क्रॉप का होता है उसमें से मैक्सिमम चावल और आपके गेहूं का होता है, तो अगर कोई भी चावल और गेहूं उगा रहा है तो उसके तो फसल जो है सरकार MSP पे खरीद लेती है, लेकिन जो बाकी यहाँ पे और 21 क्रॉप है ना वहां पे दोस्तों टेंशन है जो कि होती है। जैसे कि शुगर केन की बात करें तो बहुत सारा पैसा है जो कि यूपी के अंदर अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है किसानों का। ठीक है गाइस, चलिए तो यहाँ पे और बात करें सेकेंड प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को है, स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन दूसरी जगह पे बेच नहीं पाते क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है। तीसरी प्रॉब्लम है जो मिडिल मैन है, कमीशन एजेंट है, APMCs है, ऑफिशियल्स है, जो स्मॉल फार्मर्स और फार्मर को यहाँ पे एक्सेस करने में, यहाँ पे बेचने में काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सोल्यूशन यही है, 2018 के अंदर भी दोस्तों एक कमिटी बनी थी, प्राइस पॉलिसी बनाई गई थी, जिसमें यही बोला गया था कि राइट टू सेल, फार्मर को जो है वो राइट टू सेल एट MSPs, फार्मर को अधिकार है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना उसी पे उसको बेचना चाहिए। तो उसके लॉ बनाने को लेकर बातचीत है जो कि हुई थी, अगर लॉ बन जाएगा तो कोई भी जो है उनसे कम में खरीद नहीं कर पाएगा, चाह के भी नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये बात है जो कि पॉलिसी में बोली गई थी, दिस इज द अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ दिस, लेकिन पिछले 10 महीने से जो है ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं झारखंड को लेकर। दोस्तों झारखंड उन राज्यों के अंदर इंक्लूड हो गया है जहाँ पे लोकल अपने लोग हैं उनके कोटा सिस्टम है जो कि बनाया गया है जॉब्स को लेकर। ठीक है, तो झारखंड असेंबली ने बिल पास कर दिया जहां पे 75% रिजर्वेशन लोकल को बोला गया है, किसके अंदर, प्राइवेट जॉब्स के अंदर। कितना परसेंट है, 75% है। सैलरी कितनी, 40%, 40,000 रुपए से जो कम वाली जो जॉब होती ना उसके अंदर 75% लोकल को जॉब है जो कि अवेलेबल करवाई जाएगी। झारखंड के द्वारा इसको पास किया गया है। झारखंड दोस्तों ये पास करते ही 3rd स्टेट है जो कि बन चुका है जिसने इस तरीके का बिल पास किया है। इससे पहले दोस्तों आंध्र प्रदेश भी कर चुका है, और उससे पहले 2nd नंबर पे हरियाणा भी इस बिल को पास है जो कि कर चुका है। ठीक है, पहले पे आंध्र प्रदेश हो गया, 2nd पे हरियाणा, 3rd पे झारखंड है जो कि बन चुका है। ओके गाइज, चलिए तो यहाँ पे 30 से 40,000 रुपए, 40,000 रुपए का ब्रैकेट है जो कि इन्होंने बनाया है। अब प्राइवेट कंपनियों के लिए प्रॉब्लम क्या हो जाती है इस वाले केस के अंदर,
देखो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है इसके, पॉजिटिव तो ये है कि लोकल को जॉब मिलेगी, इससे अच्छी बात है, उनको घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, इन सिटीज के अंदर जो इतना ज्यादा लोग आ रहे हैं, वो कारण यही है कि लोकल आपको जॉब अवेलेबल नहीं होती है। तो एक तो ये अच्छी बात है। इसका नेगेटिव ये कि स्टेट जो है ना, उन्होंने अपनी लेबर फोर्स को यानी कि अपने स्टेट के युवाओं को स्किल नहीं किया है। तो जब तक स्किल लोग किसी कंपनी को नहीं मिलेंगे तो कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है लोकल लोगों को रिक्रूट करना। तो पहले स्टेट को अपने लोगों को स्किल ट्रेनिंग देनी जरूरी है, उसके बाद में लोकल का अपॉइंटमेंट किया जाए उन्हीं कंपनी के अंदर, तो ज़्यादा बेहतर है जो कि ये इनिशिएटिव हो सकता है। ठीक है गाइस, तो तीन तरीके के जॉब्स हैं जहाँ पे बात होती है। मेजरली ये जो लोकल वाले जो जॉब करी जाती है ना, हम लोग बात करते हैं ना कोटा सिस्टम की, 75% 80%, तो ये मेजरली आपको ब्लू कॉलर जॉब के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ पे नॉर्मली सैलरी 30,000-40,000 से कम होती है। समझ गए? तो ब्लू कॉलर जॉब उन लोगों के लिए होती है दोस्तों जो कि मैनुअल लेबर वर्क करते हैं, जिसके अंदर कुछ स्किल्ड भी होते हैं और कुछ अनस्किल्ड भी होते हैं। उसी प्रकार से व्हाइट कॉलर जॉब भी होती है जो कि ऑफिस जॉब होती है, कंप्यूटर पर बैठ के काम करना वाला, मैनेजमेंट वाला, समझ गए, जो आपके टेलीकॉलिंग वाला, यानी कि कुल मिला के जो ऑफिस वर्क होता है, जो डेस्क वर्क होता है ना, उसको अपन लोग व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। उसी प्रकार से पिंक कॉलर जॉब भी होती है, जिसके अंदर कस्टमर केयर, एंटरटेनमेंट, सेल्स वाले लोग हैं, है ना, अदर सर्विस ओरिएंटेड जो वर्क होता है उसको अपन लोग पिंक कॉलर जॉब है जो कि कहते हैं। समझ गए मेरी बात? तो ये जो मेजरली कोटा सिस्टम लागू होता है ब्लू कॉलर जॉब के अंदर है, जो कि लागू होता है जहाँ पे सैलरी 30,000-40,000 से कम है, जो कि आपको देखने को मिलती है। हालांकि सैलरी तो खैर यहाँ पर भी कम ही होती है, लेकिन फिर भी मतलब नॉर्मली देखा जाता है। ठीक है गाइज, तो इसके अलावा एमपी ने भी दोस्तों मैंडेटरी किया था 70% जॉब लोकल को लेकर, अभी लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो है दोस्तों इसके ऊपर थोड़ा सा प्रोटेस्ट है जो कि कर रही है। इसके अलावा आंध्र जो है पहला स्टेट बन चुका था, कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी बोला है नई इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत कि लोकल्स को मिनिमम 70% जॉब के लिए, लेकिन ये भी अभी थोड़ा सा पेंडिंग पड़ा हुआ है। ओके, आगे बात करते हैं पेज नंबर 10। यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करने वाले हैं। ओके गाइस, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है जो कि है मेडिकल बिल को लेकर, इसके ऊपर भी एक कमिटी बनाई गई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई है ताकि लेजिस्लेशन बना सके आज के टाइम पे ड्रग्स को लेकर। ड्रग्स मतलब दवाइयां, वो वाले ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, नए ड्रग्स, कॉस्मेटिक और मेडिकल डिवाइसेस को लेकर 8 मेंबर का पैनल है, जिसको डीसीजीआई के जो हेड रहे विजय सोमानी जी है जो कि इसको हेड करेंगे, जो ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी ऑफ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है विजय सोमानी, वो इसको हेड है जो कि करने वाले हैं। ये क्या करेगी, 8 मेंबर का जो कमिटी है सबमिट करेगी ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट 30 नवंबर तक, और इसके बारे में बताएगी कि क्या क्या चेंजेस है जो कि आने वाले टाइम पे कर सकते हैं। आज के टाइम पे आपको मालूम है मेडिकल को लेकर भी कई सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि नए ड्रग्स को लेकर ऑनलाइन भी सेल हो रहा है, ऑनलाइन को लेकर क्या रेगुलेशंस होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, और कुछ ऑफलाइन के अंदर अप्रोच को लेकर कुछ बदलने की जरूरत है कि नहीं है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कि जिनको लेकर बात कर रही है, एग्जामिन करना है, तो यही एक पैनल है जो कि इसके ऊपर काम करेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि जब फूड को FSSAI का अप्रूवल मिलता है, तो उसी तरीके से हर एक चीज को जो है वो भी मेडिकल बोर्ड से भी अप्रूवल है जो कि होना चाहिए, है ना। चलिए, इसके अलावा तो कुछ और ज्यादा इसके अंदर नहीं है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को लेकर। देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर क्या करने वाले, 2+2 डायलॉग है जो कि करने वाले हैं। आपको मालूम है पहली बार ये डायलॉग नहीं हो रहा है। 2+2 डायलॉग का मतलब होता है दो तुम्हारे दो हमारे, समझ गए, दो तुम्हारे कौन से, तुम्हारा एक फॉरेन सेक्रेटरी और एक डिफेंस सेक्रेटरी, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। उसी प्रकार से इंडिया की तरफ से भी फॉरेन मिनिस्टर होंगे और डिफेंस मिनिस्टर होंगे। फॉरेन मिनिस्टर जो होंगे वो ट्रेड के बारे में डिस्कशन करेंगे, पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे, बायलेटरल एग्रीमेंट्स के बारे में बात करेंगे, और जो डिफेंस मिनिस्टर होंगे वो डिफेंस के एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर आपके लॉजिस्टिक के हो सकते हैं, और आपके मिसाइल टेक्नोलॉजी हो सकती है, और आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है हथियार को लेकर। ठीक है गाइस, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग है जो कि कंडक्ट करवाने वाले हैं, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर वहां के मैराइज और डिफेंस मिनिस्टर है पीटर, ये दोनों है जो कि इंगेजमेंट करेंगे इंडिया के साथ में। ठीक है, और चलिए, इसके अलावा रीजनल पार्टनर्स के साथ में भी बात होगी। देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पिछले कुछ टाइम में रिश्ते और बेहतर हुए हैं जब से क्वाड कंट्रीज है जो कि बनी है। क्वाड के अंदर क्या है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, और आपका जापान है। ये चारों कंट्री मिलकर क्या कर रहे हैं, एक तरीके से चाइना के अगेंस्ट एले है जो कि बना रहे हैं। ओके, ताकि साउथ चाइना सी से लेकर सब जगह पे चाइना को थोड़ा रोका जा सके। तो पहले तो मालाबार एक्सरसाइज भी अब चारों पार्टिसिपेट करते हैं, पहले इंडिया यूएसए करते थे, फिर इंडिया यूएसए जापान करते थे, अभी चारों कंट्रीज जो कि आ चुके हैं इसके अंदर। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं।
ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कौन कौन सी और पार्टनरशिप है जो की करी जा सकती है। इसके अलावा अफगानिस्तान तो इशू है ही है, आप सभी को मालूम ही है। रिसेंटली अगर मैं बात करूं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के बारे में, तो सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट है जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुआ था 2014 के बीच में। आप नाम समझ सकते हैं सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। इसी के तहत दोस्तों यूरेनियम है जो कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को देना स्टार्ट किया था, जबकि इंडिया जो है वो एनएसजी का मेंबर है, वो नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का भारत मेंबर नहीं है, तो भारत को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इसके बाद में भी जो है ऑस्ट्रेलिया ने दिया, क्योंकि हमने सिविल यूज करने के लिए बोला था यूरेनियम को और हमको उसने अवेलेबल करवाया। इसी प्रकार से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी MLAT और एक्सट्रैक्शन ट्रीटी भी दोस्तों, एक्सट्राडिक्शन ट्रीटी भी दोनों देशों के बीच में साइन करी गई 2008 में। ओके, यानी कि कोई एक दूसरे का देश का कोई क्रिमिनल अगर इधर उधर है तो उसको एक्सट्राडेट किया जाएगा, और लीगल असिस्टेंस है जो कि दोनों देश एक दूसरे से लेंगे। इसके अलावा इंटेलिजेंस हो गया, हाई टेक्नोलॉजी हो गया, आउटर स्पेस प्रोग्राम हो गए, आपके डिफेंस हो गई, मालाबार लद्दाख कॉन्फ्रंटेशन हुआ, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया था पार्टिसिपेट करने के लिए 2020 के मालाबार एक्सरसाइज में, ऑसे इंडेक्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, ये देखिए MLSA म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो चुका है, जैसे कि इंडिया ने अमेरिका के साथ में किया था। इसके अलावा डिफेंस टेक्नोलॉजी के बाद बीच में हो चुका है, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हम लोग करते रहते हैं दोनों देश आपस में। ओके गाइज, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट भी जो है ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन की बात करें तो 203% जो पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो आपको इंडियंस जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइज, आउट ऑफ द कंट्री 24 मिलियन पीपल, ओके आप देख सकते हैं हाफ ए मिलियन जो है ना 24 मिलियन में से इंडियन ओरिजिन के हैं। जितने ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है उतने हमारे यहाँ पे रेलवे का फॉर्म है जो कि बच्चे भर देते हैं एग्जाम देने के लिए। 2.5 करोड़ फॉर्म भरे थे, 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है इनकी। ओके, फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज जो है दोस्तों वहाँ पे पंजाबी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं 60,000 स्टूडेंट जो है जो ऑस्ट्रेलिया में अभी पढ़ रहे हैं, 2 लाख इंडियन जो है विजिट करते हैं ऑस्ट्रेलिया हर साल। चलिए अगर मेजर एक्सपोर्ट की बात करें, इम्पोर्ट की बात करें, तो इंडिया को जो ये इम्पोर्ट करते हैं वो कोल, सर्विसेज हो गया, एजुकेशन, गोल्ड, ये मेजर एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को। हम लोग जो इनको देते हैं वो रिफाइंड पेट्रोलियम, ठीक है, सर्विसेज हो गई, आउटसोर्सिंग हो गया, IT सर्विसेज वाली, पर्ल्स हो गए, जैम हो गए, ज्वेलरी हो गई, ये सब हम लोग ऑस्ट्रेलिया को देते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी जो कंट्री है दोस्तों वो मैन्युफैक्चरिंग में आगे नहीं है, एक है बिल्कुल आइलैंड है एक तरीके से, बिल्कुल समुद्र के बीच में, तो ये भी चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है वैसे बात की जाए तो। हालांकि कुछ टाइम से चाइना के साथ इसकी बन नहीं रही है, लेकिन चाइना बहुत सारा सामान है जो कि ऑस्ट्रेलिया में देता है। हमारा भी जो बिजनेस होता है वो 25 से 30 बिलियन डॉलर का होता है। हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है चाइना को रिप्लेस करने की ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन हम लोग इसको कर नहीं पाते। ठीक है गाइस, यूरेनियम के बारे में आपको बता चुका हूँ। यूरेनियम जो है इंडिया को पहली सप्लाई 2017 के अंदर जो कि दी थी, जब हमने 2014 के अंदर इनसे एग्रीमेंट है जो कि किया था। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं पेज नंबर 14 दोस्तों, यहाँ पे PLI स्कीम के बारे में बोला गया है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको अभी अभी बता चुका हूँ, ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। 19,000 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए, 10,000 करोड़ रुपए का हम लोग टेक्सटाइल सेक्टर में प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि प्रोटेक्शन करोगे ज्यादा तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है गाइस, वो वाली बात है। और ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम हमारी मैन्युफैक्चरिंग है जिसको बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी पर्सन या फर्म जो कि मिनिमम 300 करोड़ रुपए का प्लांट मशीनरी या सिविल वर्क प्रोड्यूस करेगी वो एलिजिबल होगी PLI के लिए। सेकेंड कैटेगरी के अंदर दोस्तों मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का होगा, कोई भी इंडिविजुअल या फर्म जो है वो अप्लाई कर सकती है इंसेंटिव के लिए। ठीक है, और ये जो मेजर इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो गुजरात को, UP, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र को मिलने वाला है। ठीक है, टेक्सटाइल सेक्रेटरी जो है उपेंद्र सिंह, उनके द्वारा गाइडलाइंस भी इसके इंप्लीमेंट है जो कि करे गए। एक पोर्टल भी जो है यहाँ पे बनाया गया है 5 साल के लिए ही है। ये जो पैसा कोई भी प्रोटेक्शन लिंक इंसेंटिव की स्कीम के तहत 5 साल के अंदर इतना इंसेंटिव है जो कि दिया जाएगा। समझ गए मेरी बात, मैन मेड फाइबर अपेरल और टेक्निकल जो टेक्सटाइल है इसको लेकर बांग्लादेश ने इसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त काम किया है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 16 दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे जो कि हमारे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की कमिटी को लेकर है। ओके गाइस, इस बार कमिटी में कुछ नाम जो अलग आपको देखने को मिले हैं। देखिए, आपको मालूम होगा कि जब हम लोग नेशनल अवार्ड देते हैं, है ना, जो कि आपको मालूम है सेरेमनी में जब हमारे स्पोर्ट्स डे होता है, तो इस साल के जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जब हम लोग देंगे तो उसके लिए कमिटी बनती है जो कि डिसाइड करती है किसको मिलना चाहिए। तो इस बार 3 टाइम के जो पैरालंपिक मेडलिस्ट हमारे देवेंद्र झाझड़िया जी, वो भी इस बार कमिटी के अध्यक्ष हैं, कमिटी के अंदर है। इस बार फॉर्मर क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद है,
सरिता देवी जो चैंपियन बॉक्सर है वो भी सिलेक्शन कमेटी के अंदर है, जो कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के अंदर है। इसको जो हेड करने वाले हैं तो वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज है दोस्तों, है ना, मुकुंद अक्कम, वो इसके चेयरपर्सन है जो कि बनने वाले हैं। इसके अलावा अंजलि भागवत है, अंजुम चोपड़ा है, इसके अलावा और भी कई सारे प्लेयर्स हैं इसके अंदर। हॉकी कोच बलदेव सिंह है, साइकी डायरेक्टर है संदीप है, जर्नलिस्ट है एक विजय है ना, विक्रांत गुप्ता, ये सारे के सारे लोग हैं जो कि इस कमेटी के अंदर शामिल है। खेल रत्न अवार्ड जो कि राजीव गांधी के नाम पे था उसको मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया गया है। अभी 25 लाख रुपए का अवार्ड मिलता है, अर्जुन अवार्ड हो गए। इसके अलावा आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार हो गया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी हो गया जो कि यूनिवर्सिटी को मिलता है, और आपका मेजर ध्यानचंद जो आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो हो गया। तो इन सबका जो एक कमेटी डिसाइड करती है, ठीक है गाइज। चलिए आगे बात करते हैं जो कि दोस्तों T20 वर्ल्ड कप जो कि अभी नवंबर में होने वाला है, तो अक्टूबर नवंबर में होगा, जो ये UAE के अंदर है जो कि T20 वर्ल्ड कप है जो कि इस बार होने वाला है। मालूम है ना आपको, पहले IPL के कुछ मैचेस होंगे, उसके बाद में जो बचे हुए उसके बाद में UAE के अंदर इसको करवाया जाएगा। इसके अंदर इंडियन क्रिकेट टीम के जो मेंटोर बनाए गए वो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। वापस से महेंद्र सिंह धोनी का दोस्तों इनपुट है जो कि टीम को मिलने वाला है, और एकमात्र कैप्टन है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी जीता है 2007 में, 50 ओवर वर्ल्ड कप 2011 में, ठीक है, ODI जिसको अपन कहते हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो भी इन्होंने जितवाई थी 2013 में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस को लेकर जो कि ये फ्रंट पेज है। यहाँ पे दोस्तों मोदी जी के बर्थडे पे जो है सेलिब्रेशन स्टार्ट होने वाला है, 3 वीक का हैप्पी बर्थडे PM बूस्टर शॉट है जो कि चलने वाला है, और बहुत ही खतरनाक मार्केटिंग होने वाली है। यहाँ पे 5 करोड़ थैंक यू मोदी जी के पोस्ट कार्ड है जो कि हर बूथ के ऊपर हर जगह पर लगाए जाएंगे मोदी जी के बर्थडे पे। इसके अलावा 14 करोड़ बैग बनाए जाएंगे जिसके ऊपर भी थैंक यू मोदी जी लिखा होगा, ओके। और 5 kg पर पर्सन राशन है जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लगाया जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी प्रधानमंत्री के इतने बड़े पोस्टर और थैंक यू वाले नोट आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगे। दुनिया के हर कंट्री के वैक्सीनेशन के ऊपर किसी भी प्रधानमंत्री का फोटो नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का जरूर है हर वोटिंग कार्ड हर जगह पे। एक्चुअली के अंदर ये दोस्तों 3 वीक का सेलिब्रेशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि COVID-19 के टाइम पे बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है गवर्नमेंट की, उसी को रिकवर करने के लिए अगले साल के इलेक्शन की तैयारी के लिए फुल स्केल के ऊपर ये कैंपेन है। वीडियोस आपको मिलेंगे हर जगह, आपको PM की लाइफ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ड्राइव कराया जाएगा बच्चों के लिए, ओके। इसके अलावा भी यहाँ पे थैंक यू वीडियोस है जो कि चलाए जाएंगे। तो यहाँ पे पूरी स्कीम बताई गई है, वैसे ओपनली बताई गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सब जगह पे आपको देखने को मिलेंगे, और ओवर द टाइम आपको ये फील आ जाएगा कि देश के अंदर जो भी हो रहा है, छोटा सा भी चाहे वैक्सीन का जो प्रोडक्शन हुआ या कुछ भी, साइंटिस्ट ने भी जो काम किया है वो सब जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी किया है। तो ये आपको फील है जो कि आने वाले दिनों में मिल जाएगा जब इतनी जगह पे वीडियोस फेसबुक पे सर्कुलेशन पे चला जाएगा तो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे धोनी जो है वो कमबैक कर चुके हैं ये यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों ये एक और न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसका प्रिंट अच्छा नहीं है ई पेपर के अंदर, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ उसको अंदर शॉर्ट के अंदर हुआ क्या है। IRCTC आपको मालूम है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन है, तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, इन्होंने टाई अप किया है प्राइवेट कंपनी के साथ में, और ये अपना क्रूज है जो कि चलाने वाले हैं, भारत का फर्स्ट इंडिजीनियस क्रूज। आपको मालूम है ना फॉरेन कंट्रीज में क्रूज जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत लोग है जो कि ट्रैवल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्रूज सर्विसेज जो है वो बहुत ही लो लाइन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे दोस्तों IRCTC ने फर्स्ट इंडिजीनियस क्रूजर लाइनर है जो कि 18 सितंबर से ये स्टार्ट करने वाले हैं, ओके गाइस। तो एक कॉर्डेलिया करके एक कंपनी है, कॉर्डेलिया, इसके साथ में इन्होंने टाइप किया है, और ये आने वाले दिनों के अंदर आपको गोवा हो गया, दीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, कोची हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सारे डेस्टिनेशन के ऊपर आप क्रूज के माध्यम से जा सकते हो। तो ये कॉर्डेलिया याद करना है आपको, और IRCTC याद करना है, और ये फर्स्ट इंडिजीनियस क्रूज लाइनर है जो कि चलने वाला है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ एक अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सदानंद सिंह जी जिनकी मृत्यु हो चुकी है दोस्तों, बिहार कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, 78 की उम्र में 9 बार कांग्रेस के MLA रहे, फॉर्मर असेंबली के स्पीकर रहे सदानंद सिंह जी, उनकी अभी रिसेंटली मृत्यु हो गई। बिहार के बहुत बड़े पॉलिटिशियन है जो कि माने जाते थे, ठीक है गाइस। इंदिरा गांधी से राजीव गांधी, राजीव गांधी से सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक इन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट में जो है इन्होंने काम किया है, ओके। इसके अलावा बात करें यहाँ पे बेबी रानी मौर्य दोस्तों, इन्होंने रिजाइन दे दिया है एज ए गवर्नर ऑफ द उत्तराखंड की। ये गवर्नर है जो कि हुआ करती थी, 10 दिन बचे थे इनके 3 साल पूरे होने में, उससे पहले पहले इनका रिजाइन है जो कि आ चुका है। अभी कौन बनाए ये नाम अभी डिफाइन नहीं किया गया है। आगे बात करते हैं चाइना को लेकर, अपॉइंटमेंट की बात करें तो 2 अपॉइंटमेंट और बात कर लेते हैं जो कि है बैंक बोर्ड ब्यूरो, जो कि हर एक बैंक के टॉप पोजिशन को डिफाइन करता है, उनको अपॉइंटमेंट देता है,
उसने वेनेसडे को रिकमेंड किया है अतुल कुमार गोयल को एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक। समझ गए मेरी बात, ये बात आपको ध्यान रखनी। करंटली दोस्तों ये यूको बैंक है ना, उसके भी हेड है अतुल कुमार, और अभी इनको जो है पीएनबी बैंक की भी जिम्मेदारी है जो कि सौंपी गई है। ठीक है, इस पीएनबी बैंक की बात करें, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, 11,000 लोग काम करते हैं, हालत बहुत ही खराब है पीएनबी बैंक की। 1894 में इसकी शुरुआत हुई थी, लाला जी के द्वारा करी गई थी, लाला लाजपत राय जी के द्वारा और दयाल सिंह जी के द्वारा करी गई थी। अभी मल्लिकार्जुन राव जी जो है वो एमडी और सीईओ हैं। और ठीक है गाइस, 14% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, 76% ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है। ठीक है, लेकिन अभी जो एमडी बनाया गया है वो अतुल कुमार जी को बनाया गया है, सीईओ जो है वो मल्लिकार्जुन ठाकरे जी है, इसके अंदर मल्लिकार्जुन राव जी है। इसके अलावा हर्ष बंगारी जी को एमडी बनाया गया एक्सिम बैंक का। एक्सिम बैंक क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करवाने में मदद करता है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो हर्ष जी को यहाँ पे दोस्तों इसका एमडी बना दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और है, अरुण कुमार सिंह जी को चेयरपर्सन और एमडी बना दिया गया है बीपीसीएल का, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का। ठीक है गाइस, प्राइवेटाइजेशन बाउंड कंपनी है और अभी इनको किसको, अरुण कुमार जी को यहाँ पे चेयरपर्सन है जो कि बनाया गया है। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट है जो कि हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे चाइना के अंदर एक और दोस्तों नई रिसेंटली चीज हुई है कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग, ट्यूटर जो है उनको बैन कर दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये चाइना के अंदर आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि चाइना ने बैन कर दिया है। ठीक है, चाइना ने दोस्तों क्या बोला है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर जो अच्छे नंबर लेके आने का है ना, इसको कम करना है। जो पेरेंट्स की इनकम है वो ज्यादातर जो है वो ट्यूशन पढ़ाने में, बच्चों को देने में चल जाती है, तो अर्निंग जो है उनकी बढ़े और उनका एक्सपेंसेस जो है वो कम हो जाए, और जो प्रेशर है जाकि बच्चा, देखो चाइना में प्रॉब्लम क्या है, एक बच्चा लोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चे की कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा आती है, बच्चे को पढ़ाने में, बड़ा करने में, उसकी ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने में। ठीक है, चाइना में बहुत बड़ा मार्केट है ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन ये ऑनलाइन क्लासेस का। इंडिया में तो अभी स्टार्ट हुआ है, चाइना में बहुत सालों से चल रहा है। ठीक है, वहां पे तो 1-to-1 जो सेशन होते हैं ना, उसके अंदर भी आपको हजारों रुपए पे करने पड़ते हैं, ऐसा होता है वहां पे। तो क्या होता है कि एक बच्चे की जो है वो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है, तो चाइना ने को क्या करना है, अपने बच्चे वहां पे बढ़ाने हैं उनको। अब वो बच्चे ज्यादा लोग कब करेंगे, तब एक बच्चे के ऊपर कॉस्ट है जो कि कम होगी। ट्यूशन दोस्तों आपको मालूम है बहुत बड़ा एक, बहुत सारे पैसे हैं जो कि जाते हैं, लाखों रुपए की कोचिंग होती है। तो इन सबको कम करने के लिए चाइना ने क्या बोल दिया है कि भाई ऑनलाइन ट्यूटर जो है उनको बैन कर दिया है ऑनलाइन क्लासेस से। समझ गए, कोई ऑनलाइन पढ़ाई नहीं पाएगा, फ्री में पढ़ाना है पढ़ाओ, लेकिन कोई भी एक रुपया जो है वो नहीं लेगा। समझ गए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, होटल, कॉफी शॉप, कहीं पर भी आपको जो है पढ़ाने के लिए फॉर प्रॉफिट ट्यूटरिंग जो है वो बैन कर दी गई है। समझ गए मेरी बात। चलिए, तो वहां पे बहुत सारी कंपनियां अब जो वो इंडिया का रुख करेगी सारे के सारे। अब इंडिया के अंदर जो है ऑनलाइन के अंदर और भी चाइनीज कंपनी भी आने वाले दिनों के अंदर आपको देखने को मिल सकती है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। जनसत्ता की बात करें तो गेहूं के समर्थन मूल्य में 12 साल में सबसे कम वृद्धि, वो बताया गया। इसके अलावा ये धरना के बारे में और कुछ ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे दोस्तों पानी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, मतलब वो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है वो बोला है। 75 साल हो गए लेकिन अभी भी पानी जो है वो लोगों को साफ नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर भी दोस्तों कोर्ट ने यहाँ पे फैसला है जो कि सुना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, केरल के सैनिक स्कूल जो है दोस्तों वहाँ पे पहली बार जो है वो लड़कियों ने लिया प्रवेश। आप सभी को मालूम होगा, ठीक है, कि सैनिक स्कूल जो हुआ करते थे, जहां से दोस्तों हमारे देश के 25-30% जवान है जो कि निकलते हैं, ऑफिसर्स निकलते हैं, तो वहां पे लड़कियों को जो है वो अलाउ नहीं था पहले। आपको मालूम है एनडीए के अंदर भी दोस्तों इस बार पहली बार ऐसा होगा कि लड़कियां जो है वो फॉर्म है जो कि इसमें एग्जाम है जो कि देगी, अदरवाइज लड़कियों के को भी इसमें एंट्री है जो कि नहीं थी। तो यहाँ पे रिसेंटली जो है केरला के अंदर पहली बार सैनिक स्कूल में लड़कियों ने प्रवेश है जो कि लिया है। सैनिक स्कूल दोस्तों हमारे यहाँ पे 1961 के अंदर जो मैनन साहब थे ना, वीके मैनन साहब, वीके कृष्णा मैनन, उनके द्वारा एस्टैब्लिश जो कि करे गए थे, जो कि उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर रीजनल लेवल के ऊपर बहुत सारे जो हमारे गांव के, शहरों के जो लड़के हैं वो डिफेंस में जाएं, वहां पे ट्रेनिंग लें और अपना एग्जाम क्लियर करके ऑफिसर के तौर पे जो है वो अपने आर्मी के अंदर आए, तो इसीलिए इसको बनाया गया था। आज के टाइम पे 25-30% का कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑफिसर कैडर का, एनडीए और आईएनए के द्वारा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। 33 सैनिक स्कूल है हमारे यहाँ पे और 100 और स्कूल बनाने को लेकर पीपीपी मॉडल के ऊपर बोला जा रहा है। ठीक है गाइस, स्टेट गवर्नमेंट और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर है जो कि सैनिक स्कूल को चलाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज स्टेट गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है। और ठीक है, एमओडी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो फंड अवेलेबल करवाती है।
ठीक है गाइज। और वहां पे जो सर्विसिंग ऑफिसर है उनको की रोल एज ए प्रिंसिपल प्रिंसिपल का जो अपॉइंटमेंट है वो एमओडी के द्वारा दिया जाता है, बाकी जो स्टाफ होता है वो स्टेट के द्वारा अपॉइंटमेंट है जो कि होता है। सीबीएसई प्लस प्रोग्राम है जो कि यहाँ पे चलता है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड तो चले गए लेकिन साथ में आपको एडिशनल एनडीए सीडीएस इन सब की भी प्रिपरेशन है जो कि करवाई जाती है। ओके गाइज, चलिए वायुसेना के लिए 56 परिवहन विमान खरीद को प्रस्ताव को मंजूरी है जो कि मिल गई है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारे डिफेंस ने क्या किया है, पुराने जो वायुसेना के जो प्लेन्स है ना उनको रिप्लेस कर रहे हैं 56C295 ओके प्लेन्स है जो कि हम लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, एयरबस जो है ना बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी है, उससे जो है हम लोग खरीद रहे हैं। 16 तो ये लोग बना के देंगे, 40 जो है हम लोग इंडिया के अंदर बनाएंगे टाटा के साथ में मिलके। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके गाइज, इनकी और ये क्या है, ट्रांसपोर्ट वाले प्लेन्स है एक्चुअली में, ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं, समझ गए मेरी बात। 5 से 10 टन जो है ना इनकी क्षमता होती है किसी भी चीज को लेके जाने को लेकर। ओके, तो पुराने हमारे दोस्तों जो प्लेन थे वो काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं, ठीक है, और उनको रिप्लेस करने को लेकर टाटा के साथ में मिलकर हम लोग इंडिया में बनाएंगे और कुछ एक जो है वहां से लेके आने वाले पे, है ना। चलिए ठीक है, ये बात हो गई है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और आगे बात करते हैं जो है जीव मिल्खा सिंह को लेकर। जीव मिल्खा सिंह को भी दोस्तों 10 साल का गोल्डन वीजा है जो कि मिल गया है और पहले गोल्फर है जो कि बन गए, दुनिया के पहले गोल्फर है जिनको यूएई के द्वारा दोस्तों गोल्डन वीजा है जो कि दिया गया है। आपको मालूम है दुबई सरकार जो है गोल्डन वीजा देती है उन लोगों को जो कि काफी टैलेंटेड होते हैं, काफी सक्सेसफुल होते हैं, उनको वहां पे वीजा देती है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। ऑयल स्पेल आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको में देखने को मिला। अभी रिसेंटली क्या हो गया कि गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर है ना ऑयल जो है आपको देखने को मिला इस तरीके से, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज्यादा। अब ये टेस्ट कई सारे डाइवर जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में पहुंचे, उन्होंने टेस्टिंग करी कि भाई किसके पाइपलाइन जो है कौन सी कंपनी की टूटी है, कौन से शिप के द्वारा गिराया गया है। लेकिन दोस्तों जब जितने भी डाइवर ने पूरी रिसर्च करी लेकिन पता लगा कि कुछ पुरानी पाइपलाइन थी उनमें से लीकेज हुआ और वहां पे ऑयल स्पेल हो गया और काफी फिशेस को प्रॉब्लम होती है जब ऑयल जो है आता है। तो तब ऑयल क्या होता है कि सरफेस के ऊपर आ जाता है तो ऑक्सीजन जो है ना वो नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर है वो रुक जाता है और जो मरीन एनिमल्स है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों से पता किया गया कि भाई किसका है किसका है, लेकिन फाइनली जो है सबने मना कर दिया। कुछ एक कंपनी ने बोला ये तो हमारे बहुत पुराना है, 2017 में हमने तो इनको बंद कर दिया था। तो फाइनली दोस्तों काफी प्रॉब्लम देखने को मिली। एक बार गाइस वीडियो को शेयर कर देना व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे सब जगह पे ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके, एक बार शेयर कर देना वीडियो को। तो 12 इंच की पाइपलाइन थी दोस्तों वो ब्रोक हो गई, किसी भी कंपनी के द्वारा इसको ओन है जो कि नहीं किया गया है, समझ गए। फाइनली दोस्तों इसको रिप्लेसमेंट के लिए द्वारा ही सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, हरियाणा ने दोस्तों नॉन कैडर ऑफिसर को कैडर पोस्ट देने के ऊपर भी बवाल है जो कि मच गया है। एक्चुअली के अंदर हुआ क्या दोस्तों, कई सारे आईपीएस आईआरएस और आईएफएस ऑफिसर को हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट आईएएस वाले जो पोजीशंस होती ना जो चेयरपर्सन डिपार्टमेंट के बनते हैं वो आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं मेजरली। तो आईएफएस और आईआरएस और आईपीएस को क्या कर रहे थे ये लोग, नॉन कैडर वाली पोस्ट को कैडर वाली पोस्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट है जो कि दे रहे थे। जैसे कि एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोजीशन थी ट्रांसपोर्ट के अंदर, समझ गए। तो सरकार ने क्या किया, एक आईपीएस ऑफिसर को अपॉइंटमेंट दे दिया, लेकिन जब होम मिनिस्ट्री ने बोला कि नहीं भाई ये तो जो है क्या है वायलेशन हो रहा है गाइडलाइंस का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का जिसमें आईएएस ऑफिसर को ही बनाया जाता है, ठीक है, तो फिर इसको कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया। एक्चुअली के अंदर होता क्या है कि किसी भी स्टेट के पास अगर कोई सुटेबल ऑफिसर नहीं है आईएएस के तो वो अपॉइंटमेंट कर सकता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में लेटर भेजे अपना यूपीएससी से लेकर सब जगह से परमिशन ले, डीओपीटी से परमिशन ले, उसी के बाद में आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि जब चाहे आपने किसी को भी इधर से उठा के आईएएस वाले पोजीशन पर डाल दिया। ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2021 जो कि 8 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, 1967 में इसकी शुरुआत है जो कि पूरी दुनिया में लिटरेसी के अवेयरनेस को लेकर सिग्निफिकेंस बताने को लेकर शुरुआत करी गई थी ताकि हर एक पर्सन डिग्निटी के साथ में जी सके। देखिए गाइस, अगर किसी के पास में एजुकेशन होती है तो उसके पास में बहुत बड़ा चांस होता है कि वो डिग्निटी से अपनी लाइफ है जो कि जी सकता है, उसको काम करने का मौका मिल सकता है, कहीं ना कहीं मौका तलाश सकता है वो। लेकिन जब आप लिटरेट नहीं होते हो तो आपके पास में सिंपल लेबर वर्क करना ओके एक तरीके से ह्यूमन का एक्सप्लॉयटेशन है जो कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसी चीज को दोस्तों काउंटर करने के लिए 1965 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हुई थी तहरीन में, यूनेस्को ने दोस्तों डेजिग्नेट किया 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे। ठीक है, इस पूरी दुनिया में अवेयरनेस कैंपेन है जो कि इसको लेकर चलाए जाते हैं। ठीक है, इस बार की जो थीम रखी गई है वो लिखी गई है लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। ठीक है गाइस, डिजिटल डिवाइड इस बार बहुत बढ़ गया है, जिनके पास अच्छे मोबाइल फोन है वो तो पढ़ाई थोड़ी बहुत कर पा रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे यार। ठीक है गाइस, इसके अलावा अगर बात करें तो जो गरीब बच्चे जो कि पढ़ना चाहते हैं उनके पास मोबाइल फोन नहीं है तो उनके पास तो वैसे ही पढ़ाई की सुविधा नहीं हो पा रही है। ओके,
चलिए, तो अभी कुछ टाइम पहले ही इसका रिजल्ट आया था, मतलब रिसर्च का, एडीआर ने तो खैर नहीं, असर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने पेपर जारी करे थे, उसमें बताया गया था कि 25% बच्चों ने पढ़ाई करी है जिनके पास मोबाइल फोन थे उन्होंने भी, और अगर ग्रामीण भारत की बात करें तो 8% बच्चों ने पिछले 2 सालों में पढ़ाई करी है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान है जो कि देखने को मिला है। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं, डे ऑफ सोशल जस्टिस इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार ने क्या किया दोस्तों, 17 सितंबर को जो है ना, उनके वहाँ पे लीडर थे ईवी रामास्वामी पेरियार, उनके जन्मदिवस के ऊपर द डे ऑफ द सोशल जस्टिस है जो कि इन्होंने करार दिया है। ठीक है, 17 सितंबर 1879 को दोस्तों ईवी पेरियार का जो है वो जन्म हुआ था। सोशल एक्टिविस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने दोस्तों सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है जो कि स्टार्ट किया था। ओके, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसके लिए, जो नॉन ब्राह्मण कास्ट है, ST SC OBC है ना, इन सब के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है। इनको फादर ऑफ द ड्रेविडियन मूवमेंट भी कहा जाता है। ओके, ड्रेविडियन काजगम जो पार्टी है वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। INC दोस्तों इन्होंने ज्वाइन किया था पहले 1919 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन जब पता लगा कि यहाँ पे तो ब्राह्मण बहुत ज्यादा है और ब्राह्मण इंटरेस्ट के ऊपर काम हो रहा है, तो 1939 के अंदर इन्होंने दोस्तों क्या किया, जस्टिस पार्टी बनाई और बाद में उसका नाम ड्रेविडियन काजगम रखा 1944 के अंदर। ओके, ड्रेविडियन काजगम जो पार्टी है, इसी पार्टी में से ही दोस्तों अन्नादुराई ने DMK पार्टी बनाई थी, और DMK पार्टी में से ही दोस्तों को बाद में जो है ये क्या बनी, AIA DMK बनी करुणानिधि के द्वारा, समझ गया। तो सबसे पहले तो DK पार्टी हुआ करती थी तमिलनाडु के अंदर, जो कि कब बनी, 44 के अंदर बनी, ये किसके द्वारा बनाई गई, पेरियार के द्वारा। फिर इसी में से DMK बनी जो कि अन्नादुराई ने बनाई 1949 में, और इसी में से फिर AIA DMK बनी करुणानिधि के द्वारा। ठीक है गाइस, इस तरीके से ये तीनों पार्टी है जो कि तमिलनाडु में काफी फेमस है। 73 के अंदर दोस्तों उनकी मृत्यु है जो की हुई थी, और ये काफी फेमस पर्सन माने जाते हैं, सेल्फ रेस मूवमेंट चलाया, काफी रेस्पेक्टेड है जो कि तमिलनाडु के अंदर माने जाते हैं। ST SC को लेकर, कास्ट जो ये अनटचेबिलिटी को लेकर इन्होंने काफी काम है जो कि वहां पे करे हैं। इफ गॉड इज द रूट कॉज फॉर आर डिग्रेडेशन, डिस्ट्रॉय दैट गॉड, इफ इट इज द रिलीजन, डिस्ट्रॉय इट। बहुत खतरनाक बात है जो कि इन्होंने बोली है कि अगर गॉड रूट है लोगों के बीच में भेदभाव करने की, तो उस गॉड को ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, और अगर रिलीजन इसका कारण है तो ऐसे रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ठीक है, ये इनके द्वारा स्टेटमेंट है जो कि बहुत इंस्पायरिंग रहा है हमेशा के लिए। आगे बात करते हैं, और सोशल, ये मैं आपको बाकी सारी बातें बता ही चुका हूं। ठीक है, चलिए ये देख सकते हो आप, ये पेरियार साहब है। आगे बात करते हैं, विद्यांजलि पोर्टल जो कि मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया, एजुकेशन 5 सितंबर जो है ना, शिक्षा दिवस, उसी टाइम पे शिक्षक पर्व है जो कि 2021 लॉन्च किया गया था। शायद हम इसके बारे में बात नहीं किए थे, शायद इसलिए वापस से बता रहा हूँ। उस पर्व के अंदर एक विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था कि एजुकेशन वॉलंटियर होए, CSR कॉन्ट्रीब्यूशन होए, और स्कूल का डेवलपमेंट है जो कि किया जा सके। ठीक है, शिक्षक पर्व 5 से 17 सितंबर के बीच में इसको कलाया जा रहा है। इसके अंदर साइन लैंग्वेज डिक्शनरी लॉन्च करी गई, टॉकिंग बुक्स लॉन्च करी गई, निष्ठा पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया, और विद्यांजलि जो है वो लॉन्च किया गया। तो ये कुछ एक और चीजें हैं जो कि इस टाइम पे लॉन्च करी गई थी। ठीक है गाइज, चलिए आगे बात करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, यानी कि आसमान में एयर पोल्यूशन को कम करने वाले दिवस है जो कि 7 सितंबर को हर साल है जो कि मनाया जाता है। ठीक है, ये UNEP जो है ना, यूनाइटेड नेशंस का एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी के अंदर है, तो उसके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई, थीम रखी गई है हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट। ओके गाइज, ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एयर पोल्यूशन आपको मालूम है, छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हमारे बॉडी में जाते हैं और हमें हेल्थ की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलिए बाकी सब तो खैर आपको मालूम ही है। हमारे एशिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज आपको इंडिया में देखने को मिलेगी, आप सबको मालूम है। टॉप 30 में से 21 सिटीज जो है वो हमारे इंडिया की है पूरी दुनिया में पॉल्यूशन के मामले में। IUCN ने बोला है कि जो 37% जो शार्क है और रेज है वो थ्रेटेंड है एग्जिस्टेंस के ऊपर, एक्सटिंक्शन जो है उनके होने की कगार के ऊपर है। तो IUCN के ने वर्ल्ड की शार्क और रेज के बारे में ये बोला है कि 2014 के बाद में इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत कम हो गई है और दुनिया से गायब होने की कगार के ऊपर है जो कि ये पहुंच गई है। बहुत सारे प्रकार के शार्क है जो कि दुनिया के अलग अलग कोनों में आपको देखने को मिलती है। ओके गाइस, तो 2014 के बाद से काफी कम है जो कि शार्क हो गई है अक्रॉस द वर्ल्ड, और आप देख सकते हैं इन 2014 में 33% तक दोस्तों ये पहुंच गई है। तो इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों के अंदर शार्क दुनिया से खत्म हो जाएगी, ये इनका कहना है। तो आप देख सकते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में थी ये, और धीरे धीरे होते होते अब ये एक्सटेंशन वाली कैटेगरी में आने वाली है। तो दुनिया के अंदर IUCN ने दोस्तों 1.31
38 लाख स्पीशीज है जिनको ट्रैक किया हुआ, जिसमें 38,000 जो है एक्सटिंक्शन के कगार के ऊपर है, ये इनके द्वारा कहा गया है। ये सारे स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं। आज के दिन के इतिहास की बात करें, 1311 के अंदर मलिक काफूर जो है वापस आया दिल्ली, साउथ इंडिया पे अटैक करके। 1329 के अंदर दोस्तों फर्स्ट डियोसिन इरेक्टेड बाय द पॉप जॉन 1222, ठीक है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जोधपुर की शुरुआत हुई 1459 के अंदर। 1991 में तजाकिस्तान ने डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस सोवियत यूनियन से, और किम सैंग ने स्टैब्लिश किया नॉर्थ कोरिया आज के दिन 1948 के अंदर। ओके, वोकैबुलरीज की बात करें तो क्यूजोटिक का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक और अनप्रैक्टिकल कंडीशन होती है। नर्व्स का मतलब होता है जेंटली एनकरेज करना किसी को। एमनेबल का मतलब किसी से ओपनली अच्छी तरीके से बात करना। डिसऑर्ड का मतलब है, ठीक है, किसी को डिस्करेज करना, गलत बोलना। और रिप्रिहेंसिबल का, रिप्रिहेंसिबल की बात करें तो उसका मतलब है किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है गाइज। चलिए आज का फन फैक्ट देखते हैं, जो कि दोस्तों बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। दुनिया में लोग बहुत तरीके से कंट्रीब्यूशन करते हैं दोस्तों, इसी में तरीके से एक अमेरिका में एक बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन एक बाइकर क्लब के द्वारा किया जाता है, जो कि उन बच्चे जो कि किसी के खिलाफ, आपको मालूम है ना, कई बार ऐसे होते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस होते हैं, तो जब जिस क्रिमिनल के खिलाफ केस कराया जाता है, ओके, तो उस फैमिली को प्रोटेक्शन के लिए ये जो बाइकर क्लब है ना, वो कई दिनों तक जब तक उसका मैटर रिजॉल्व नहीं होता ना, तब तक वो उसको प्रोटेक्शन है जो कि देते हैं रात को आके। ओके गाइज, एक बाइकर ग्रुप है एरिजोनिया के अंदर जो कि चाइल्ड अब्यूज के विक्टिम है ना, उनको सेफ रखने का काम करता है, ताकि उनको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना आए। नाइट के अंदर उनको गार्ड करता है, जब तक उस आदमी को जेल ना हो जाए तब तक जो है वो उनको प्रोटेक्ट करता है। तो अमेरिका में तो हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो खैर पता लगा जवान बाइकर बूढ़ा हो गया लेकिन अभी तक उसको जेल ही नहीं हुई, और बेचारा डेली जो है वहाँ पे रक्षा कर रहा है, तो वहाँ पे केसेस रिजॉल्व हो जाते हैं, इसलिए पॉसिबल है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि 23.5% ऑफ है जो कि आपको आज आज के लिए मिलने वाला है अनअकैडमी प्लस के ऊपर, BHU 10 या BHU 10 यूज करने के ऊपर। फ्लैट 15% ऑफ, उसके बाद में 10% आपको अनअकैडमी पे, अनअकैडमी आप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, गोल सेलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, और यहाँ पे 12 या 24 महीने सेलेक्ट करके BHU 10 है जो कि नीचे लगाना है। आज आज के लिए मिलेगा आपको ये ऑफ, उसके बाद में नहीं मिलेगा, नए बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। ओके गाइज, और सैटरडे को हम लोग एक मैराथन क्लास करने वाले हैं अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे, तो ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जीके के जो कि रेलवे और SSC के करवाने वाला हूँ। इंटरनेशनल लिटरेसी डे की बात करें, कितनी तारीख को मनाते हैं, रानी मौर्य जी ने उन्होंने रिजाइन दिया, कौन से राज्य के गवर्नर थी, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान के किसको बनाया गया है, तालिबान कैबिनेट मिनिस्टर जो कि FBI के मोस्ट वांटेड लिस्ट में कौन से हैं, ठीक है गाइस। तो ये थे आज के आपके सेशन के क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।